हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों. वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग. सुबह की हो चुकी है 6:45. अभी तनिषा सो रही है. अच्छा, क्या बनाऊँ? ब्लॉग ब्लॉग सारे खाने के ब्लॉग. अच्छा, इसकी तबीयत सही नहीं है तो ब्लॉग बना रहा हूँ मैं. तनिषा के स्कूल के लिए और हम नाश्ता भी वही कर देंगे. तो चलिए, मैं बनता हूँ बनाता हूँ पुलाव. तो चलिए, तमीज के लिए हम चलिए बना रहे हैं पुलाव. प्याज और आलू काट दिया, कुकर चला दिया, चावल पानी दिया, चावल भी हो गए. तो चलिए बनाते हैं पुलाव. सुबह के बज गए हैं 7. तमीज से उठ चुकी है और बड़े शुगर हुई है. हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग. हैं मम्मी, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. और ये तुम क्या कर रहे हो? हमको मैं उसे तबियत अभी सही नहीं है. अच्छा, इसके बन गए पुलाव. मैं बेटा, गुड मॉर्निंग. इसके बन गए पुलाव. तो बस तनिषा अभी अभी स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है. सुनो रेडी, अब टाइम तो बहुत है. अब जो सबक आते हैं 8:30 निकलना है, बहुत टाइम है. चलो हो जाते हैं. आओ जाओ बेटा. दोस्तों, मैं तनिषा को छोड़ के आ चुका हूँ. टाइम हो रहा है, सवा 8 का टाइम है और पूजा हो चुकी है मेरी. तो चलिए अब चाय पीते हैं. तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 10:30 और नाश्ता लग गया हमारा. सुबह मैंने बनाए थे पुलाव. रिचा भी पुलाव के लिए आई. रिचा तबीयत कहती है? ठीक है. बिजी लग रही है मुझे तो देखने में. साथ में कुछ ले लो, दही भी नहीं है? दही ले लो. तो चलिए अब हम करते हैं अपना नाश्ता पुलाव. दोपहर के हो चुके हैं करीब 2:30 और तनिषा स्कूल से आ चुकी है. हाय तनिषा, कैसा रहा आज का दिन स्कूल में? नॉर्मल. देखिए रिचा क्या कर रही है. रिचा क्या कर रही है? रोटी बना रही है, सब्जी बना रही है, बस खीरा काटा, समोसा काटने जा रही है. क्या बनाया सब्जी में? ये और साथ में रोटी है. अच्छा, खरबूजा काटे और खीरा. ठीक है, डाल दो खाना. डालो जाओ. ठीक है ठीक है. दोस्तों, शाम के हो चुके हैं 5:30. मैं सो गया था, अभी भी रोटी हूँ. रिचा भी रोटी है. अच्छा, दिखने जा रही है रिचा को, दिखने जा रही है. और देखिए बेटी क्या कर रही है. अरे मेरी बेटी सो रही है. अरे मेरे बाबू, सोना ये सोना सोना मतलब मुन्ना सोना मेरे बोलना. मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते. सोना सोना उठा, बेटा सोना उठा. उठी उठी उठी. देख देख कौन आया. देख सामने देख. छुपा लिया. चलिए चाय पीते हैं. चलो अभी काम करेंगे. चाय बना दो, मुंजी बना दो, टॉली लेती हूँ. भाई मौसम इतना प्यारा हो रहा है यहाँ का. बिल्कुल आंधी आ रही है, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की दिल्ली में. बस अभी हम आए थे नीचे ब्रेड लेने के लिए. हमेशा तनिषा को कुछ खाना था, हमने ब्रेड ले लेते हैं. और बाहर देखा तो मौसम इतना बढ़िया मौसम है, बिल्कुल बारिश हो रही है, मौसम खराब. आप देखो आंधी भी हो रही है हल्की हल्की. आपके मुद्दे घर पे बादल गरज रहे हैं. हाँ बादल बहुत गरज रहे हैं. सही है भाई, बाहर तो बहुत बारिश हो गई है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और आंधी आ रही है बहुत तेज. मौसम बहुत अच्छा हो गया है यहाँ का. ऊपर का सीन है, ऊपर देखो बादल, पूरे बादल बने हुए हैं.
बहुत, यहाँ लोग बैठे हैं, लेडीज बैठी हैं, आप देख सकते हो सड़क हल्की सी गीली है, पूरा हल्की हल्की बारिश हो रही है बाहर, और बादल भी देखो आपको शायद गरजने की आवाज़ आ रही होगी काफ़ी तेज, चल रही है थी, ठंडी हवा थी, तेज़ अच्छी चल रही है, देखो वो पानी में हाथ में हाँ बारिश आनी शुरू हो गई, हमेशा ऐसी मौसम है, इतना अच्छा बना हुआ, कैसा लगता है ना, बन कहता है ऐसे काश मौसम बना रहे बारह माह। शाम के बच्चों के साथ और अब हम खा रहे हैं, क्या कहते हैं चलो पास्ता, अब हम खा रहे हैं पास्ता, बड़े मेरे माइंड से इसके बगैर मैंने तो बनाया, ये पूछ मम्मी से कैसे बना चल, मैंने ही बनाया ये बेटा, तो नाम भूल गया था इसका, मेरे मुंह में ना मैक्रोनी आ रहा था, अच्छा यूट्यूब बेटा पढ़ रही थी, ये देख पढ़ रही है, ठीक है ठीक है ना बेटा, नमक में जो सही है बाहर इतना अच्छा मौसम था कि तनिषा ने बोला कि पापा कुछ मैगी या कुछ पास्ता कुछ बना दो, तो मैंने पास्ता ही बना दिया, बाहर मौसम बिल्कुल मतलब बारिश भी हो रही है हल्की हल्की और बहुत अच्छी हवा भी चल रही है, शुरू शुरू में पहले आंधी आई थी, फिर बारिश हो गई तो आंधी बंद हो गई और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, क्या ही बेटा, अच्छा केसर केसर ड्रिंक है, अच्छा बेटा नीली बना रहे, अच्छा अच्छा मेरे लिए बनाना बेटा, मैं कच्चा था मेरे लिए बेटा, वो बनाना केतली पान वाला बना, खा ले खा ले पहले खा ले बेटा, ठंडा हो जाएगा खा ले। रात के हो रहे हैं करीब 9:40, हमारा रात का खाना लग चुका है, एक्चुअली हम खा ही रहे हैं आलू के परौठे, मेरे पास ये बचा हुआ था, मैंने ये बिचन का खाना खा लिया और कच्चा खा ही रही है, हमने खाए थे आलू के परौठे, मिर्च है बहुत आधी मिर्च है बहुत मोटी मोटी, मिर्च काट ली है, मिर्च काट ली खरबूजा भाई मुँह में हरी मिर्च आ गई, अरे बहुत स्पाइसी है, ठीक है ठीक है भाई, शादी के लिए कॉन्टेक्ट करना हूँ, ब्राइडल ये ब्राइडल मेहंदी भी पूरी लगाती है हाथ पैर में, किसी को कॉन्टेक्ट अगर करवानी है तो कॉन्टेक्ट करना, इससे इसके चार्जेस हो जा रहा है कितने 21,000 रुपए एक ब्राइडल के,200 रुपए आपको ये दिखाएगी करवा चौथ पे, तो रात के हो चुके हैं करीब करीब 10 बजने वाले हैं, हमारा डिनर हो चुका है, तनिषा ने भी कर ही लिया है, तो आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं, तो आपसे मिलेंगे कल के एक नए ब्लॉग में, और हाँ एक आप सबके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि कल से हमारा ब्लॉग आएगा दोपहर को 12 बजे, तो प्लीज आप भूलिएगा नहीं, आप कल से आप देखेंगे, कल से आप देखेंगे दोपहर को 12 बजे, ब्रेकिंग न्यूज़।
पुनीत कपूर का चैनल कैसे 12 बजे आएगा? कल से अब देखना 12 बजे, क्योंकि मुझे लगता है शायद 8 बजे का टाइम सही नहीं है, सब बिजी होते हैं और सब अपना सब बिजी होते हैं और टाइम नहीं होता शायद देखने का। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। ओके, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ओके, बाय।